राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने एनआईटी हमीरपुर के डायरेक्टर की फाइनेंशियल व एडमिनिस्ट्रेटिव पावर निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय का आभार प्रकट करते हुए फैसले की सराहना की है। राणा ने कहा कि देर से ही सही, लेकिन एनआईटी हमीरपुर में बेक ऑफ चले भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए सरकार ने सही कदम उठाया है। राणा ने कहा कि वे अक्टूबर 2019 से इस मामले की पैरवी में लगातार लगे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने एनआईटी हमीरपुर की रैंकिंग गिरने के सबब कथित भर्ती भ्रष्टाचार के आरोपों की फेरिस्त पीएमओ कार्यालय से लेकर मानव संसाधन मंत्रालय को लगातार भेजी है। राणा ने कहा कि उन्हें संतोष इस बात का है कि आखिर देर से ही सही कथित भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की नींद खुली तो सही। राणा ने कहा कि अब जब सरकार एनआईटी हमीरपुर के कथित भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर हुई है तो इस मामले की जांच सीबीआई से होनी जरूरी है, और अगर ये जांच सीबीआई से होती है तो वे निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर होगा। राणा ने कहा कि हिमाचली हितों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उस अधिकारी की हैसियत व पहुंच कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि एनआईटी हमीरपुर में तानाशाह बने डायरेक्टर की मनमानियों व भ्रष्टाचार का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि एनआईटी हमीरपुर में नेपोटिज्म के आधार पर हुई भर्तियों की सूची देने से वे लगातार इनकार करते रहे, यहाँ तक कि कई मर्तबा वे अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम से ऊपर बताकर अपनी पावर का मिसयूज भी करते रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई से करवाकर सरकार भ्रष्टाचार के मामले में अपनी जीरो टॉलरेंस का सबूत दे। राणा ने कहा कि लंबे समय से चुप रहने के बाद केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने एचएमआरडी से इस मामले पर बात करने की बात कही है। वे उनकी इस पहल का भी स्वागत करते हैं, लेकिन इस मामले को उनका लगातार नजरअंदाज करना कोई और कहानी भी बयां कर रहा है, जिसका खुलासा आने वाले वक्त में हो सकता है। एनआईटी के मुद्दे को लेकर मैं लगातार पिछले 9 महीने से इस इशू को उठा रहा हूँ। मैं इस इशू पे यही कहना चाहता हूँ कि एनआईटी में बहुत गड़बड़ियाँ हुई हुई और उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, एचआरडी मिनिस्ट्री को और एनआईटी के चेयरमैन को लगातार मैंने मेल्स भी की हैं, हार्ड कॉपीज भी भेजी हैं, और अभी जो लेटेस्ट मैंने 7 तारीख को सबूतों के साथ एनआईटी के चेयरमैन के साथ सभी को जो मैंने दोबारा मेल की है, उसके बाद एनआईटी के डायरेक्टर की जो शक्तियाँ छीनी गई हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर जो ली गई हैं और डालंदर के डायरेक्टर को एडिशनल चार्ज दिया गया है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि जो केंद्र ने एक टीम गठित की है इंक्वायरी के लिए, सरकार को चाहिए कि जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं करप्शन को लेकर, सीबीआई से इसके जानकारी इसकी जाँच करवाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों की और नौजवानों की अनदेखी हुई है, इसलिए सीबीआई से इसकी जाँच हो।